आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल हम पर नए देखिए हमें सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन बेलाइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे अशोक लेलैंड के बारे में आज हम बात करेंगे जो लोग इसमें निवेशित हैं या जो लोग नए फ्रेशर्स हैं जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया ख़बर है न्यूज़ है तो न्यूज़ में पढ़ के बताता हूँ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ इसमें खबर है अभी इसके क्यू फोर के रिजल्ट नहीं आए हैं तो हम पिछले डेटा ही दिखा पाएंगे कि कंपनी लास्ट ईयर कैसा परफॉर्म किया था या क्वार्टर थर्ड तक कैसा परफॉर्मेंस थी इसकी क्योंकि पूरा ऑटो सेक्टर अभी बहुत इस पर ज़बरदस्त गिरावट है चाहे टाटा मोटर्स ले लें ले, चाहे आशा मोटर्स ले लें चाहे अशोक लेलैंड ले 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 ये भी बच नहीं पाया तो ये पहले मैं न्यूज़ पढ़ देता हूँ ज़्यादा आपको वेट नहीं कराऊँगा अशोक लेलैंड रेडी टू राइड ऑन एलन मस्क इंडियन ड्रीम एलन मस्क कौन है ये हैं जो टेस्ला कंपनी है उसके मालिक हैं तो वो अशोक लीलैंड के साथ मिल के मतलब एक जस्ट ऑफर किया गया है और बातचीत चल रही है तो इंडिया चूँकि बहुत बड़ा बाज़ार है बहुत बड़ा बाज़ार हर मामले में चाहे वो कार्स का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो तो यहाँ पे अशोक लीलैंड इज़ ओपन टू एलन मस्क फॉर पार्टनरशिप टू फाइनली लेट इंडियंस एक्सपीरियंस हिज पाथ ब्रेकिंग ऑटोनोमस टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स तो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की सोच रही है तो पार्टनरशिप हो सकती है अशोक लेलैंड के साथ टेस्ला वॉज एक्सपेक्टेड टू एंटर इंडिया विद द मॉडल थ्री दैट सेल्स फॉर नियरली थर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर और टेस्ला सी यूल मस्क हु हैज़ बीन मूविंग बैक एंड फोर्थ ऑन हिज इंडिया ड्रीम फॉर कपल ऑफ एयर्स एंड अनएबल टू टेक द नेक्स्ट बिग स्टेप नाउ हैज़ एन इन्विटेशन फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल मेजर अशोक लेलैंड तो इनको जो है एक आमंत्रण दिया गया है कमर्शियल uh, व्हीकल जो बनाती है अशोक लेलैंड अपनी कि इलेक्ट्रिक कार्स मिलजुल के बनाते हैं मस्क वांट्स टू मेक इंडिया हिज नेक्स्ट बिग मार्केट बट द क्वेश्चन लिंगर्स विल द इलेक्ट्रिक कार एवर रन ऑन द बम्पी देसी रोड्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है कि जो यहाँ की रोड्स है आप जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक कार्स होंगी हल्की होंगी छोटी होंगी तो क्या सक्सेस होंगी अकॉर्डिंग टू वेंकटेश नटराजन वॉइस सीनियर प्रेसिडेंट एंड चीफ डिजिटल ऑफिसर अशोक लेलैंड द कंपनी इज़ ओपन टू मस्क फॉर अ पार्टनरशिप ये पार्टनरशिप को तैयार है टू फाइनली लेट इट इंडियन एक्सपीरियंस हिज पाथ ब्रेकिंग ऑटोनोमस टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अब हम भारतीय लोगों को तैयार करेंगे वी आर ओपन टू मस्क ऑफर और हम लोग बिल्कुल खुला निमंत्रण है हम बिल्कुल एग्री हैं उनके साथ काम करने को ऐसा सी ओ वाइस प्रेसिडेंट साहब का कहना है अशोक लीलैंड के आई ट्रूली बिलीव दैट इट्स नॉट जस्ट

और आई गो बैक टू द ऑर्गनाइजेशन फिलोसफी एंड कल्चर वन एवर विद सी टेक्नोलॉजी वी वी लाइक टू ट्राई इट आउट जस्ट लाइक आ स्मॉल किड हु सीज ट्राई एंडवास एक्सपेरिमेंट वी आर ओपन टू टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी एडोपशन तो इनका कहना है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ वो इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ बनाना चाहते हैं हमारे साथ मिलके हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है एनीथिंग दैट एड्स वैल्यू टू आवर कस्टमर्स हमारे कस्टमर के फायदे के लिए जो कुछ भी होगा हम करेंगे द कंपनी फ्लैगशिप ऑफ द हिंदुजा ग्रुप रिपोर्टेड ऑन रेवेन्यू 6,325 करोड़ इन क्वार्टर थी क्यू थ्री में ईयर टू डेट रेवेन्यूज टस्ड ट्वेंटी 20,000 करोड़ अप 15 परसेंट ओवर कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर तो आशा है कि आने वाले जो क्यू रिजल्ट्स रेल्स है उसमें इसका परिणाम दिखेगा और उसी का वेट चल रहा है तो फाइनली बहुत बड़ी न्यूज़ है और अभी बातचीत ही चल रही है तो क्या होगा फाइनली लेकिन एक सोचने वाली बात है कि फाइनली अगर ये मिल काम करने लगे तो इलेक्ट्रिक कार जो है भारत में फ्यूचर चेंज करने वाला है सभी लेने वाले हैं आपको ही पता है अब दुनिया चेंज हर इंसान डीजल पेट्रोल गवर्नमेंट भी पे ध्यान दे रही पोल्यूशन हटाना चाह रही है तो अब जो आने वाला समय है इलेक्ट्रिक कार्स का ये तो अगर ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने लगी तो अशोक लिनन जबरदस्त अपने निवेशकों को रिटर्न दिलाएगी ये तो पक्का है और वैसे ही पहले से ज़बरदस्त अच्छा रिटर्न दे चुकी है पिछले दो तीन सालों से ही थोड़ा सा इस पर ज़बरदस्त मार पड़ी है तो सारे पूरे सेक्टर में ही मार पड़ी है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जो लोग निवेशित हैं वो निवेशित रहें बने रहें और जो नए निवेशक हैं वो भी चाहें तो ज़बरदस्त कंपनी है वैसे भी ट्रक बसेस बस में तो भारत में सबसे बड़ी कंपनी है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और दुनिया में भी मुझे लगता फोर्थ, है फोर्थ चौथी ऐसी मैनुफैक्चरर है अशोक लेलैंड जो बसेस बनाती है ट्रक बनाती है हमारे डिफेंस के लिए भी ट्रक बनाती है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है बेसिक चीज़ें और हम जान लेते हैं कि गुड क्वालिटी कंपनी है सेल्स ग्रोथ है इसकी ट्वेंटी टू पॉइंट टू सेवन परसेंट की विविप्टा ग्रोथ है सेवन सेवेंटी टू पॉइंट टू एट परसेंट की और आर ओ सी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री एट बहुत ही आकर्षक है और आर ओ रिटर्न ऑन इक्विटी है सेवनटीन पॉइंट फोर फोर परसेंट की और ऑब्वियसली अभी यहाँ पे एक्सपेंसिव दिखा रहा है जिस हिसाब से इनके भी फाइनेंशियल ट्रेड है जैसे कि इनके लास्ट टाइम के, लास के रिजल्ट आए थे और रिटर्न हम देख लेते हैं कि रिटर्न अभी कैसे हैं फिलहाल दस सालों में जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको चार सौ इकसठ परसेंट के आसपास का रिटर्न है और पाँच सालों में दो सौ परसेंट के आसपास चार सालों में पच्चीस परसेंट के आसपास लेकिन तीन सालों में 12% परसेंट का नेगेटिव है दो साल पहले जिन्होंने लगाए थे उनको दो परसेंट आसपा, के आसपास, 1.5% डेढ़ परसेंट के आसपास रिटर्न है लेकिन जिन्होंने एक साल पहले पैसे लगाए हैं उनको अड़तीस परसेंट का लॉस है ईयर टल डेट चौदह परसेंट का करीब लॉस है और सिक्स मंथ में ट्वेंटी परसेंट का करीब लॉस है थ्री मंथ्स में ज़रूर साढ़े छः परसेंट के आसपास का रिटर्न है और वन मंथ में भी साढ़े पाँच परसेंट की लॉस है और वन वीक में भी साढ़े छः परसेंट के आसपास का प्लस पॉइंट है पॉजिटिव रिटर्न है लेकिन वन डे में भी आज गिरावट है सवा परसेंट के आसपास तो हम फाइनेंशियल भी देख लेते हैं और जहाँ दिसंबर सत्रह ईयर ऑन ईयर क्योंकि अभी उन्नीस के नहीं आए हुए हैं तो अभी हम लास्ट ईयर के देखते दिसंबर सत्रह से दिसंबर अठारह के ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे देखिए नेट सेल्स में इनको ग्यारह करीब पौने बारह परसेंट के आसपास की डाउन साइड है और नेट प्रॉफ़िट में भी यहाँ इक्कीस के परसेंट के आसपास के डाउन साइड है और मार्जिन में भी यहाँ पे डेढ़ परसेंट के आसपास के डाउन साइड है लेकिन हम क्वार्टरली भी देख देते हैं क्वार्टरली में सितंबर अठारह से कंपेयर करेंगे दिसंबर अठारह अच्छा में तो यहाँ पे भी देखिए साढ़े पंद्रह के परसेंट के आसपास डाउन साइड है और नेट प्रॉफ़िट में भी सवा सत्रह परसेंट के आसपास डाउन है और मार्जिन में भी यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री फोर परसेंट के डाउन साइड है तो रिजल्ट वाकई क्वार्टर के हों चाहे ईयर वन ईयर के हों तो डाउन साइड ही आए तो इस वजह से ज़बरदस्त गिरावट भी है और काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पर मिल रहा है तो एक बड़ी कंपनी का शेयर अगर हमें कम पैसे मिल रहा है तो तो बहुत अच्छी बात है तो अशोक लीलैंड 22 मई 2019 हज़ार एक बज के तेईस मिनट पर सत्तासी रुपये पैंतालीस पैसे पर ट्रेड कर रहा है अस्सी पैसे गिरावट है इसमें और जी फिफ्टी टू वीक जो लो बनाया था सतर रुपये और हाई था इसका डेढ़ सौ रुपये डेढ़ सौ रुपए से काफ़ी नीचे है और मार्केट कैप अभी जो है फिलहाल वर्तमान की पच्चीस करोड़ की है ए पी एस अर्निंग पर शेयर है छः रुपये चालीस पैसे पी है इसके थर्टीन पॉइंट सिक्स फोर की जबकि इंडस्ट्री पी है ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स सेवन की बुक वैल्यू चौबीस दशमलव फोर वन की है और प्राइस टू बुक है थ्री पॉइंट फाइव एट परसेंट थ्री पॉइंट फाइव एट और डिविडेंड टील टू पॉइंट सेवन एट परसेंट का दिया और फेस वैल्यू एक की रह गई डिलीवरेबल है ट्वेंटी सिक्स परसेंट के आसपास और एक चीज़ मेरा इस पर है कि मैं बोनस पे गया था तो बोनस इसने लास्ट टाइम दिया था 2011 में वन एस टू वन का मतलब जिसके पास एक थे वो दो हो गए जिसके पास सौ थे वो दो सौ हो गए अब अगर ये कंपनी ज़बरदस्त आगे आने वाले समय में प्रॉफिट कमाती है या फिर इलेक्ट्रिक कास्ट बनाती है या फिर ऑलरेडी ये बना ही रही है काफ़ी प्रॉफिट में आ जाएगी तो ये बोनस भी देना शुरू करेगी डिविडेंड तो पे ही करती है तो क्यू फोर के रिजल्ट्स का वेट करते हैं देखते हैं आगे क्या रणनीति हो सकती है लेकिन मैं तो इस पर अभी यही कहूँगा कि एक अच्छी कंपनी है अगर जो लोग लेना चाहें बिल्कुल भी बिंदास ले सकते हैं अशोक लीलैंड पर इसमें कोई दो राय नहीं है फिर भी कोई भी स्टॉक लेने आ, बेचने से पहले अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें थैंक यू फॉर वॉचिंग